बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन ने सरोज खान को श्रद्धांजलि दी है। अमिताभ बच्चन ने सुबह ही सरोज खान को याद करते हुए लिखा, हाथ जुड़े हैं, मन उदास है। अक्षय कुमार ने लिखा, दुखद खबर है कि महान कोरियोग्राफर सरोज खान जी नहीं रही। उन्होंने नृत्य को लगभग आसान बना दिया था, जैसे कोई भी नृत्य कर सकता है। फिल्म जगत के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। उनकी आत्मा को शांति मिले। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरोज खान के जनाजे में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त थी। पुलिस ने सरोज खान के परिवार को आदेशित किया था कि अंतिम विदाई में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। सरोज खान ने अपने 40 साल के करियर में सफलता की बुलंदियों को छुआ। सरोज खान ने एक से बढ़कर एक फिल्मी गानों को कोरियोग्राफ किया। सरोज खान ने 3 बार नेशनल अवार्ड जीता। सरोज खान ने कोरियोग्राफी में सबसे ज़्यादा अवार्ड अपने नाम किए थे। सरोज खान को शुक्रवार सुबह मलाड के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। सरोज खान को आखिरी विदाई देने के लिए उनके परिवार वाले और कुछ रिश्तेदार ही मौजूद थे। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 में निर्मला नागपाल के रूप में हुआ था। 3 साल की उम्र में उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया था। शादी से पहले उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। सोहन लाल से अलग होने के बाद सन 1975 में सरोज खान ने अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बार फिर से फैसला लिया और उन्होंने सरदार रोशन खान से शादी कर ली। उससे उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने सुकन्या रखा। सुकन्या आज दुबई में अपना डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं। बच्चों के जन्म के बाद सोहन लाल ने उन्हें अपना नाम देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई। सरोज की एक बेटी कुकू भी है। सरोज ने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की। सरोज खान से शादी के वक्त सोहन लाल ने अपनी पहली शादी की बात नहीं बताई थी। सन 1963 में सरोज खान के बेटे राजू खान का जन्म हुआ, तब उन्हें सोहन लाल की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला। सन 1965 में सरोज ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसकी 8 महीने बाद ही मौत हो गई। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में सरोज खान ने बताया था कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया था। उस वक्त मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मुझ पर कोई दबाव तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे इस्लाम धर्म से प्रेरणा मिलती है। 14 साल की उम्र में सरोज खान पहली बार माँ बनी थी। सरोज खान ने अपने 4 दशक के करियर में 2000 से अधिक गानों की कोरियोग्राफी की, जिसमें फिल्म देवदास का डोला रे डोला, तेजाब का 1-2-3 और जब वी मेट का ये इश्क हाय जैसे हिट गाने शामिल हैं। सरोज खान के लिए आखिरी समय परेशानियों से भरा रहा। कभी लगातार फिल्में करने वाली सरोज खान के पास करियर के आखिरी पड़ाव पर कोई काम नहीं बचा था। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। कुछ समय पहले सलमान खान उनकी मदद के लिए आगे आए थे। सरोज खान ने मास्टर बी सोहनलाल से शादी की थी। दोनों की उम्र में 30 साल का अंतर था। शादी के वक्त सरोज की उम्र 13 साल की थी। सोहनलाल की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी से उनके 4 बच्चे थे। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी, तभी एक दिन मेरे डांस मास्टर सोहन लाल ने गले में काला धागा बांध दिया था और मेरी शादी हो गई थी। सरोज खान ने आखिरी बार 2019 में आई फिल्म कलंक में बतौर कोरियोग्राफर काम किया था। इसके अलावा उन्होंने गोविंदा और माधुरी दीक्षित जैसे बेहतरीन डांसर को अपने कला से नवाजा है। 50 के दशक में सरोज खान ने बतौर बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू किया था। उन्होंने कोरियोग्राफर बी सोहन लाल के साथ ट्रेनिंग ली। सन 1974 में रिलीज हुई फिल्म गीता मेरा नाम से सरोज खान एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर की तरह जुड़ी, हालांकि उनके काम को काफ़ी समय बाद पहचान मिली। सरोज खान की मुख्य फिल्मों में मिस्टर इंडिया,
नगीना, चांदनी, तेजाब, थानेदार और बेटा है। विभाजन के बाद सरोज खान का परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। सरोज ने महज 3 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उनकी पहली फिल्म नजराना थी, जिसमें उन्होंने श्यामा नाम की बच्ची का किरदार निभाया था। सरोज खान ने हजारों गानों को कोरियोग्राफ किया है। कम ही लोगों को पता है कि सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था। सरोज के पिता का नाम किशन चंद सिंधु सिंह और माता का नाम नोनी सिंधु सिंह था। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।